जहाँ प्रेम है वहाँ करुणा भी होगी, सहायता की इच्छा होगी। आध्यात्मिकता का आदि भी करुणा है और अंत भी करुणा। नमस्कार मित्रों, अमृत गंगा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त मरुस्थल से गुजर रहे थे। रास्ते में उनका किसी बात पर विवाद हो गया। एक ने दूसरे को चांटा मार दिया। चांटा खाने वाले दोस्त ने कहा कुछ नहीं, बस रेत पर लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा। उसके बाद वो चलते गए और एक मरुद्वीप पर पहुंचकर स्नान करने गए। तभी चांटा खाने वाला दोस्त दलदल में फंसकर डूबने ही वाला था कि दूसरे दोस्त ने आकर उसे बचा लिया। इस बार उस दोस्त ने एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। चांटा मारने और जान बचाने वाले दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें चांटा मारा तब तुमने रेत पर लिखा और अब पत्थर पर, वो क्यों? तो पहले दोस्त ने कहा, कोई दुख दे तो रेत पर लिखो ताकि क्षमा की हवाएं चलकर उसे मिटा दे, लेकिन कोई हमारा भला करे तो उसे पत्थर पर लिखो ताकि कभी ना मिटे। पहला दोस्त चांटा खाकर भी दूसरे को माफ ना करता तो मुसीबत के समय उसकी जान बचाने को वो शायद साथ ना देता। अम्मा कहती हैं, तुम्हें ठोकर लगे और पांव पर चोट लग जाए या दुर्घटनावश तुम्हारे हाथ कट जाए तो तुम अपने हाथों पांव पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारे अपने ही शरीर के भाग हैं। ऐसे ही सभी को अपना भाग मानो तो अपने को दुख पहुंचाने वाले को भी क्षमा कर दोगे। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്നു മെഴുകുതിരി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, വിശ്വാസവും ദൈവം കത്തിക്ക്. ചെറിയ മെഴുകുതിരിയുണ്ട്, ഈ വലിയ ഇരുട്ടിനെ താണ്ടുവെന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഓരോ ചൂട് ിക്കുന്നനുസരിച്ച് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുട്ടിനെ താണ്ടാൻ സാധിക്കും. അമ്മ കഹത്തി ഹൈ കി അന്ധേരെ സേ കഭി ഡരേ നഹി. പഹലെ ജബ് ടോർച്ച് നഹി തീ തോ ലോഗ് രാത് കോ ബാഹർ ജാതെ സമയ മശാൽ കാ പ്രയോഗ് കർതെ തേ. ഉസ് സമാനേ മേ ടോർച്ച് തോ കുച്ച് ധനീ ലോഗോ കേ പാസ് ഹീ ഹോതി തീ. രാത് കേ സമയ വോ ദൂർ ദൂർ
10-15 किलोमीटर तक भी मशाले घुमाते हुए चलते जाते, ऐसे यात्रा करते थे रात के समय। तब लोग ऐसा नहीं सोचते थे कि इस छोटी सी मशाल के साथ मैं इतने घने अंधेरे में कैसे चलूंगा। इसी प्रकार हमें भी एहसास रहे कि अपनी मन रूपी मोमबत्ती से हम विश्वास की जोत जलाएं। मन की मोमबत्ती कैसे राह दिखलाएगी ये चिंता न करके एक एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ें, तो वो प्रकाश हमें अंधेरे के पार ले जाएगा। आज विश्व में दो प्रकार की गरीबी है, एक प्रेम के अभाव की, दूसरी रोटी कपड़े और मकान के अभाव की। हम पहली तरह की अर्थात प्रेम की गरीबी को मिटा दें, स्वयं को जागृत करें, तो दूसरी गरीबी को निश्चित ही मिटा सकते हैं। जहां प्रेम है वहां करुणा भी होगी, सहायता की इच्छा होगी। आध्यात्मिकता का आदि भी करुणा है और अंत भी करुणा, स्वयं पर भी करुणा। हम दूसरों से अलग हैं, इस अहंकार को मिटाकर सहज ही दूसरों की ओर बह निकले। एक बार एक साधक जरूरतमंद लोगों के लिए चंदा मांगने निकला। पहले घर में मांगने गया तो उन्होंने थूका उस पर, थूक कर गालियां बकने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये थूक मेरे लिए थी, अब विश्व के लिए कुछ दे दो आप। ऐसी परिस्थितियों में भी हार न मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, केंचुआ मरे तो कम से कम धरती के लिए खाद बन जाता है। एक केंचुआ भी मनुष्य क्या देता है। दफन में प्रयुक्त रसायन भूमि को दूषित करते हैं। जलाओ तो वायु दूषित होती है, प्रदूषण। योगदान कुछ नहीं, मनुष्य ने कुछ किया है तो बस प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और नाश। यहाँ से जाने से पहले कुछ तो योगदान दें। दीपावली का त्योहार श्री राम द्वारा रावण वध के पश्चात अयोध्या में उनके प्रकाशमय स्वागत की याद दिलाता है। 10 इंद्रियों के प्रतीक 10 शीश रावण पर विजय पाकर राम राजा बन गए। अहंकार पर विजय पाने वाला राजा धीराज होता है। उनका स्वागत दीपों से किया गया, जैसे पर्वत से गिरे या होस पाइप से। पानी तो हमेशा नीचे ही गिरेगा, आग अधोमुखी हो तब भी ऊपर ही उठेगी। ताप से पानी वाष्प बनकर, बादल से वर्षा बनकर गिरता है, उससे विद्युत बनता है, अनेकों उपयोग होते हैं। इस प्रकार जग हितैषी बने श्री राम। धर्म रक्षा की भावना जगाने में सफल हुए। लक्ष्मी का मुख्य गुण संपत्ति है, जिसमें दैवी संपदा भी शामिल है। दैवी संपदा में सब निहित है, संपत्ति ऐश्वर्य बने, कंजूसी ऐश्वर्य नहीं। दूसरों के काम आए वही संपत्ति ऐश्वर्य है, जैसे धूप में से सुगंध आए। वैसे ही हमारे मन में करुणा का आविर्भाव हो, जैसे स्वर्ण सुगंधित हो जाए, वैसे हमारा जीवन भी सुगंधित और सुंदर हो उठे। हम अपने भीतर का दीपक जलाकर औरों को भी प्रकाशित कर सकें, ऐसा मनोबल हम में विकसित हो। मेरे बच्चों पर कृपा बनी रहे। Money।
अम्मा मानो प्रेम की एक नदी है, जहां भी जाएं, जहां भी बहें, वो सबको गले लगाती है। बार्सिलोना से जाते समय अम्मा अपने बच्चों के हृदयों पर मानो ताजा ओस छोड़े जा रही थी। अम्मा के इस प्रवाह का अगला पड़ाव आयरलैंड का डबलिन था। आयरलैंड यूरोप के पश्चिमी तट पर बसा एक सुंदर देश है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए इसे हरित मणि द्वीप भी कहते हैं। क्या समुद्री तट और क्या हरे भरे खेत, सुहावनी भूमि, चहुंओर प्रकृति की भरमार है। समुद्र तट से हटकर आयरलैंड में स्केलिंग माइकल और लिटिल स्केलिंग नामक एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। अम्मा और उनके साथ यात्रा कर रहे भक्तजन बार्सिलोना से डबलिन प्लेन से गए। ऐसा शायद ही कभी होता है कि अम्मा और टूर ग्रुप सड़क से यात्रा ना करके प्लेन में जाएं। अम्मा और उनके बच्चे जल्दी ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लंबी प्रतीक्षा का समय अम्मा ने सबके साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चाओं और कहानियां सुनने सुनाने में बिताया। प्रतीक्षा का समय लंबा था, अतः अम्मा के बच्चे कुछ खाने पीने की चीजें ले आए, जिन्हें अम्मा ने अपने सब बच्चों में बांट दिया। सब लोग अपनी प्यारी अम्मा के आने की उत्सुकता से राह देख रहे थे। अम्मा के बच्चे जानते हैं कि अम्मा ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं और उनके सामिप्य का अनुभव वे अपने दिलों में करते हैं, लेकिन उनका शारीरिक दर्शन और स्पर्श अपने आप में अद्वितीय है, सम्मोहक है। वर्ष भर वो इसके लिए तड़पते रहे।
वहां के कुछ गणमान्य अतिथियों ने मंच पर अम्मा का स्वागत किया, जिनमें एक राजनेता चार्ली ओकोनर, मेयर ओशन स्मिथ, एक आयरिश मंत्री जोसेफा मैडिगन और एक आयरलैंड की यूरोपियन प्रतिनिधि सुश्री फ्रांसिस फिट्ज़जेराल्ड थी। आयरलैंड के राज्य मंत्री जोसेफा मैडिगन ने अम्मा के सामने कुछ भावुक शब्द रखते हुए कहा, अम्मा में जो सबसे बड़ा गुण देखने में आता है वो है जीवन को करुणा व प्रेम में समर्पित कर देना। अम्मा का आरंभिक जीवन ही करुणा में सिक्त था। उनके आलिंगन मात्र से दुखी लोगों को सांत्वना मिलती है, उस तथ्य ने ही मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका प्रेम प्रवाह समस्त सृष्टि तक पहुंचता है। मुझे ये आलिंगन कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था और उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मैंने अम्मा के अहेतुक प्रेम को सारा जीवन अनुभव किया है। अम्मा गरीबों के उत्थान और शोक संतप्त लोगों को राहत देने को बहुत महत्व देती हैं। आपका धर्म कोई भी हो, समाज में पद प्रतिष्ठा हो ना हो, इसको अम्मा कोई महत्व नहीं देती। जीवन के सभी क्षेत्रों में अम्मा जन सामान्य की सहायता करती हैं। आयरलैंड के भक्तों के दर्शन शुरू हुए तो भावनाओं का सैलाब आ गया। चाहे कोई भक्त हंस रहा था, आंसू बहा रहा था या अम्मा को निहारे जा रहा था, सब में आभार का भाव महसूस किया जा सकता था। कोई आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांटना चाहता हो, ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता। दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ये जानकर बड़ी राहत और आशा का भाव पैदा होता है। अम्मा यहाँ देने आई हैं, देती देती और बस देती जाती हैं। अम्मा के जीवन में एक ही अभिलाषा है, उनके बच्चों की खुशी।